तो लखनऊ से एक बड़ी खबर है जहां पर एक घोटाले और घपले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एलडीए ने यहां पर रिवर फ्रंट के पास वृक्षारोपण के एलडीए के बड़े घपले का खुलासा हुआ। दरअसल एलडीए के कागज पर 4324 जमीन पर 4800 ही यहां पर मिले हैं। आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपो की आड़ में पुराना घपला दबाने की फिराक में है एलडीए। एलडीए की ओर से शासन और नगर निगम को रिपोर्ट पर सवाल भेजे गए हैं और अगर मौके पर इतने वृक्ष ही नहीं है तो वृक्षारोपण का क्या होगा। 59 लाख रुपए वृक्षारोपण का खर्च बताया गया है और वृक्ष को शिफ्ट करने के लिए एलडीए की रिपोर्ट पर कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। वृक्षारोपण कराए बिना ही रिपोर्ट तैयार कर ली गई और खर्च भी बता दिया गया, यानी कि वृक्ष नहीं है लेकिन उनको वृक्षों को विस्थापित करने के लिए, वृक्षों को हटाने के लिए वहां पर लाखों रुपए की मांग कर दी गई है। तो रिवर फ्रंट पर वृक्षारोपण के एलडीए के बड़े खुलासे का, गड़े घपले का यहां पर खुलासा हुआ। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, जिस तरीके का ये घपले का सीधे तौर पर खुलासा हुआ, जब वृक्ष ही नहीं है तो उन्हें विस्थापित कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल जरूर है कि एलडीए या नगर निगम लगातार एक के बाद एक घपले करते जा रहे हैं। जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही समायोजन के नाम पर छोटे से बड़े प्लाट में बदले गए लोगों की पूरी पूरी फाइलें ही एलडीए से गायब हो गई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मामले की शिकायत की थी, उसके बाद हड़कंप मचा था। फिलहाल अभी तक एलडीए वो फाइलें ढूंढ नहीं पाया है। उसके बाद एक नया घोटाला निकलकर एलडीए में सामने आ गया है। जहां हम देखें, एलडीए ने अभी जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है उसको लेकर एक सूची जारी की थी, क्योंकि एक्सपो में रिवर फ्रंट जो कि गोमती का किनारा है उसको सपा सरकार में बनाया गया था, जिस पर सवाल उठे थे और जिसकी सीबीआई जांच चल रही है। वहां पर टैंकों का और बाकी सेना के उपकरणों का प्रदर्शन होना है, जिसमें उसने ये सूची जारी की थी कि कितने पेड़ उन्होंने लगाए थे, कितना खर्च आया था और कितने पेड़ों को वहां से शिफ्ट किया जाएगा। इसमें जो संख्या उन्होंने एक स्थान की बताई है, जिसमें उन्होंने 4324 पौधे अपनी रिपोर्ट में बताए हैं कि वहां पे वो पेड़ लगे हुए हैं जिनको वहां से शिफ्ट किया जाना है, जिसका टोटल खर्च जो उन्होंने पूरा बताया था 96-59 लाख से ज्यादा का खर्च उन्होंने बताया था कि इसको लगवाने में ये खर्च आया है और ये पैसा उनको डिफेंस एक्सपो के बाद से फिर चाहिए होगा ताकि ये पौधे दोबारा से वहां पे लगवाए जाते हैं। लेकिन जब मौके की जांच की गई तो मौके पर 800 वृक्ष भी पूरे नहीं मिले, और जबकि एलडीए अपनी रिपोर्ट में जो शासन को रिपोर्ट उसने भेजी है वो 4324 वृक्ष दिखा रहा है कि उसने वहां पर लगे हुए हैं जिनको शिफ्ट करना है। तो निश्चित है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।